ना घिसने की झंझट, ना उबालने की झंझट, और कुछ ट्रिक को फॉलो करके आप चाहें तो अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ हमने ले लिया है गाजर। गाजर हमने यहाँ 1 केजी लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गाजर के छिलकों को हटाएंगे। तो हमने यहाँ एक चक्कू ले लिया है और थोड़ा सा गाजर हमारे बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा मैं इसे 2 भाग में कर दे रही हूँ। और इस चक्कू के हेल्प से हम चक्कू को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। इस उल्टे तरीके से हम जो है इसके छिलकों को निकालेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे गाजर के जो है छिलके हम पहले हटा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने जो है सारे गाजर को छील लिया है और इसे मैंने धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। हमें इसे ग्रेट नहीं करने वाले हैं तो हम इस तरह से इसे हम कट करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं और हम इस तरह से गाजर को कट करेंगे। इसी तरह से जो है हम सारे गाजर को पहले काट करके हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी जो है गाजर को मैंने काट लिया है। तो यहाँ हम हलवा जो है कुकर में बनाएंगे। तो हमने कुकर रख दिया है, कुकर गर्म हो गया है तो अब हम इसमें घी डालेंगे। तो घी मैं यहाँ बड़े चम्मच से 1 चम्मच ले रही हूँ और थोड़ा सा हम घी को मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट होने के बाद हमने यहाँ इलायची ली है। इलायची हमने 3 ली है और इसको हमने तोड़ लिया है, इसका मुंह हमने खोल लिया है। अब इसके अंदर हम इलायची डाल देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे गाजर। तो मैंने यहाँ गाजर को मैंने यहाँ 2-3 टुकड़ों में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे भी टुकड़ों में काट सकते हैं और इसे या तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप जैसे भी इसे बना सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसके लीड लगा देते हैं। और लीड लगाने के बाद हम गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 2 सीटी दिलाएंगे। तो ये देखिए, मैं जो है सीटी आपको खोल करके दिखाती हूँ। 2 सीटी दे चुका है और हो सकता है हमारे गाजर जो है अच्छे से पक चुके होंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये यानी कि सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने यह ले लिया है पोटैटो मिक्सर। अब इससे हम क्या करेंगे, अपने गाजर को हम मैश कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो मैं इसे आपको मैश करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, जैसे मैं इसे मैश कर रही हूँ एकदम अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे गाजर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अब मैश हो गए हैं और गैस को मैंने जला लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जो भी है दूध डालना है या खोआ डालना है, जो भी आपको इसमें डालना है आप डाल सकते हो। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें दूध की मलाई और थोड़े से मैं यहाँ दूध भी डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ 1 गिलास दूध यहाँ मैंने लिया हुआ है, इसे भी डाल देते हैं और इसे डाल करके हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा जो है कि हमारा गाजर एकदम मैश हो चुका है और गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। और इसी वक्त अगर आपके पास जो है खोआ डालना है तो डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने दूध डाला है, मलाई डाला है, अब इसे हम पकने देते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है कुछ ड्राई फ्रूट, में काजू, बादाम, नारियल, किशमिश, अब इन सबको भी डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम जो है मीठे के लिए हम डालेंगे चीनी और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम मीठा। तो मीठा आपको जितना चाहिए आप उतना ही डालिए। तो चीनी को भी डाल करके हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमें और भी पकाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी ये बिल्कुल पानी छे। तो ये देखिए, हमारा जो है गाजर का हलवा बन चुका है। इसकी पहचान क्या है, यानी ये सॉफ्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, गल बहुत जल्दी जाता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि जब तक ये पूरी तरह से एकदम ड्राई ना हो जाए। जब एकदम ड्राई हो जाता है, एकदम सूखा हो जाता है, पंचों पंचों नहीं रहता है,
तब समझिए हमारे जो है गाजर के हलवे बहुत ही अच्छे से जो है कि यानी पक चुके हैं और तैयार हो गए हैं। तो देखिए एकदम से रेडी हैं हमारे गाजर के हलवे। तो हम क्या करते हैं, इसे गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो हम इसे आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम टेस्टी सा गाजर का हलवा बन करके तैयार है। ये सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं गाजर के हलवे। तो ये देखिए, और देखिए इसमें बिल्कुल पानी की नमी है, इसकी यही पहचान है। आप किसी तरह से जब भी बनाइए तो गाजर के हलवे को बनाइए। ये देखिए मैंने इसमें ना तो खोआ डाला है, ना तो मैंने मावा डाला है, ना तो मैंने मिल्क पाउडर डाला है। मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया है और दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है। यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट था जो मैंने बचा लिया था, इसके ऊपर से हम इसे भी गार्निश कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारा जो है कि गाजर का हलवा बनकर के रेडी है। बिना खर्च के हैं और बिना मेहनत के हैं। इस तरह से आप चाहें तो गाजर का हलवा सर्दियों में आप बना करके खा सकते हैं। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर ऐसे नए नए रेसिपी और नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।